दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के अशमुकम इलाके में एक महिला की उसके चाचा द्वारा कथित तौर पर मारपीट करने के बाद हत्या कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने अपनी भतीजी शमीमा बानो 34 साल जो अशमुकम के हापड़नाड क्षेत्र के नागावल इलाके के निवासी मुश्ताक अहमद खान की पत्नी जिसके साथ मारपीट करने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद शमीमा को अनंतनाग के शीर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि चाचा की पहचान नागावल हापड़नाड निवासी शाहबाज पुत्र गुलाम खान के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखें पूरी खबर विस्तार से। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता सईद बजाज जिलानी की रिपोर्ट। हमारी इस लड़की की डेथ होगी हापड़नाड में, इसको चाचा ने मार दिया तो हमने इसको सीर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर पुलिस ने और डॉक्टर ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और उन्होंने कहा कि इसको अनंतनाग ले जाओ। किसके लिए? पोस्टमार्टम के लिए। हम यहाँ 11 बजे पहुंचे, 11 बजे से लेके अभी तक डॉक्टर नहीं आ रहे थे। जब हमने बाहर डेड बॉडी निकाल के रोड पर रखी तो फिर तकरीबन 10-15 मिनट वहां पर हमने धरना दिया तो फिर यहां पर डीएसपी साहब आ गए, उसने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन डॉक्टर ने हमारे साथ जीरो रेस्पॉन्ड किया। डॉक्टर ये बोल रहे थे कि आप कहां रहते हो, कि हमारे को क्या लेबल है कि अगर हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं क्या हमारे क्या लेबल है, ये अगर हम गोजर लोग हैं क्या है, पहाड़ी है, क्या लेबल है हम पर, क्या हम नीचे कौन से ताल्लुक हैं, तभी हमारे साथ कोई रेस्पॉन्ड नहीं है। अगर कोई बड़े घराने से कोई होता तो उसको सारे लोग आ जाते उसको देखने के लिए। हमारे ये चाहते हैं कि दोबारा अगर और किसी के साथ ऐसा हो, डॉक्टरों को कम से कम कोताही से काम नहीं लेना है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैं सिम বৈশ্বর সব কোথায় স্যার